नमस्कार। आज हम कल के डाइजेशन फर्स्ट वाले भाग से आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से मुख गुहा में ग्रहण किए गए भोजन को चबाया पीस करके यांत्रिक पाचन और फिर लार के द्वारा रासायनिक पाचन होता है, फिर स्टोमक के अंदर किस प्रकार से पाचन होता है ये देखा था। आज हम उससे आगे यानी आमाशय का जो आंशिक पाचित भोजन जो होता है यानी जिसे काइम बोलते हैं, यह काइम जब ग्रहणी यानी छोटी आंत के प्रथम भाग में जब प्रवेश करता है तब उसके साथ किस प्रकार से पाचन होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। स्टूडेंट्स, पहले इस सब को पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये सब ऑनलाइन की प्रक्रिया में हम सब जो आपको वीडियो दे रहे हैं और जब इसके फाइनल में मैं इसको आपको इस पूरे मटेरियल को पीडीएफ के रूप में भी दूंगा, परंतु पक्का पक्का अगर कोई मटेरियल है आप यहीं तक संतुष्ट हो जाते तो इससे कुछ नहीं होगा, सार्थकता सिद्ध नहीं होगी हमारे प्रयासों की। बेहतर यही रहेगा आप कॉपी वगैरह लें या बुक से पहले पढ़ लें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, फिर अपने हैंड रिटन खुद के मटेरियल को प्रिपेयर कीजिए और इसमें और ज़्यादा मटेरियल को ऐड करें और अपना प्रयास जितना करोगे तभी यह जो हमारा जो ऑनलाइन का प्रयास है शिक्षण का ये सार्थक होगा। तो अब सीधे ही अपन टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ग्रहणी के अंदर जब स्टोमक का अम्लीय काइम जब आता है तब क्या होता है, काइम यानी अम्लीय माध्यम में भोजन जो आंशिक पाचित है उसको सबसे पहले क्षारीय माध्यम में बदलना होता है, क्योंकि छोटी आंत के जो भी एंजाइम हैं वह कभी भी अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं। और तो इसको सबसे पहले क्षारीय करेगा कौन, तो मैं पहले ही बता दूं कि इसके लिए हमारे अंदर पाचन के में सहयोग के लिए दो ग्रंथियां होती हैं जिन्हें आप यकृत और अग्नाशय के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं यकृत के बारे में बता दूं, मैं यहाँ यकृत की ओतिकी या हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, केवल और केवल पाचन से जुड़ी हुई प्रक्रिया पित्तरस के बारे में डिटेल बताऊंगा और पित्तरस के अंदर क्या है उसके बारे में बताऊंगा। पहले पित्तरस का कंपोजिशन, पित्तरस पीला भूरा तरल होता है, लगभग आधे से एक लीटर के करीब प्रतिदिन होता है, क्षारीय होता है और परासरण के मामले में प्लाज्मा का आइसोटोनिक या समपरासरी होता है, इसमें जल सर्वाधिक होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य दो बातें हैं कि पित्त वर्णक और पित्त लवण। पित्त वर्णक जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, बिलीरुबिन, बिल्वर्डिन और उसके डेरिवेटिव्स, ये क्या होते हैं अभी आगे बता देंगे। और इसके अलावा पित्त लवण जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट के रूप में होता है, ये पित्त लवण का मुख्य कार्य क्या है, वसा का पायसीकरण करना। पायसीकरण अर्थात आप जानते हैं वसा वाटर इनसोल्यूबल होती है, उसका पाचन तब तक संभव नहीं होता है जब तक उसको वाटर सोल्यूबल छोटे छोटे कणों में बांटा नहीं जाए। अब आप कहेंगे वसा को कैसे बांट सकते हैं, जिस तरह से डिटर्जेंट चिकनाहट को निकालता है कपड़ों से, वैसे ही एक बाईपोलर जो डिटर्जेंट की तरह ये पित्त लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट पित्त लवण है। इसके अलावा लेसिथीन, ये बाईपोलर मॉलिक्यूल हैं, ये सब मिल करके वसा को छोटे छोटे कणों में बांट देते हैं, मिसेल कण होते हैं भी बन मिसेल का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो उन सब का उद्देश्य क्या है कि वसा को छोटे छोटे कणों में बांट करके वाटर के कॉन्टैक्ट में लाने लायक बना देना ताकि उस पर लाइपेज एक्शन कर सकते हैं। लाइपेज के लिए क्या जरूरी है कि जो भी फैट मॉलिक्यूल जिसको तोड़ा जाना है वह पहले वाटर सॉल्युबल हो, अर्थात वसा का डाइजेस्ट करना है तो वसा का पायसीकरण अर्थात पित्त लवणों की रिएक्शन होनी बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन में पित्त लवणों की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। अब आगे आपने पित्त वर्णक जो पढ़े हैं वो किस तरह से बनते हैं ये आप देख सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं यकृत के अंदर डेड आरबीसी का डीकम्पोज किया जाता है, तो आरबीसी के अंदर डीकम्पोजिशन के दौरान
उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है उसको तोड़ करके बिलीरुबिन और बिल्वर्डिन में तोड़ दिया जाए। बिल्वर्डिन हरा, बिलीरुबिन पीला होता है, और आंत्र के जीवाणु उनको मीजोबिलीरुबिनोजन और फिर उसको लेटर ऑन स्टरकोबिलिन एंड स्टरकोबिलिनोजन में बादल दिया जाता है, जो फीकल मटेरियल मल पदार्थों के साथ में शरीर के बाहर आ जाते हैं। चूँकि ये ब्राउनिश कलर के होते हैं इसीलिए हमारे मल पदार्थ स्टूल मटेरियल का जो कलर है ब्राउनिश होता है, और यकृत से कुछ स्टरकोबिलिनी और स्टरकोबिलिनोजन रक्त से होते हुए वृक्क में चले जाते हैं, जहाँ इनको यूरोक्रोम में बदल दिया जाता है, जिसके कारण यूरिन का कलर लाइटिश येलो होता है। अब बात आती है, क्या ये पित्तरस सीधे ही यकृत से बनते रहकर हर समय ग्रहणी में आते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। यकृत रस या पित्तरस ग्रहणी में से पहले पित्ताशय में संग्रहित होते रहते हैं। जब कभी भी भोजन कायम के रूप में आता है तब पित्ताशय संकुचित होकर अपने अंदर के पित्तरस को ग्रहणी के अंदर भेज देता है नली के माध्यम से। इसके बारे में आगे बताऊंगा कौन सी नली है। तो गॉल ब्लेडर या पित्ताशय का कार्य क्या है? एक तो पित्त का संग्रहण करना, दूसरा पित्त का सांद्रण। क्यों ऐसा किस लिए पाता है? क्योंकि यह संचित पित्त जो उसके अंदर पित्तरस इकट्ठा होता है बाइल पित्ताशय में, उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन कर लेता है और उसकी एल्किलिनिटी को घटाता है, तो कुल मिलाकर के उसकी क्षारीयता कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और जिससे ये अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पे अब दूसरी ग्रंथि पैनक्रियास की बात करें अपन, तो अग्नाशय जो है एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भाग होते हैं। एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी, जिसमें निकला हुआ स्राव नलियों के माध्यम से आंत्र में पहुंचता है। यह 99% जो अग्नाशय भाग है वह एक्सोक्राइन होता है, और अग्नाशय रस के रूप में एंजाइमों को इंटेस्टाइन में पाचन हेतु भेजा जाता है, जबकि 1% जो है हार्मोनल या एंडोक्राइन भाग होता है, जो लैंगरेंस के आइसोलेट द्वीपिकाएँ कहलाते हैं, जिसमें यहाँ पे बता रखा है कि किस प्रकार से अल्फा सेल ग्लूकागन, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन एंड एक और सेल्स होती हैं, कुछ किताबों में लिखा हुआ है एफ सेल्स, जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार से अग्नाशय रस और पित्त रस नलियों द्वारा यहाँ पर आंत्र यानी ग्रहणी के अंदर मिलता है, इसको इस चित्र से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्म में बताया हुआ है, आप चाहे तो जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें होगा, परंतु इससे अच्छा है कि आप डायग्राम से समझें। देखिए, यह यू आकार की ग्रहणी है इस तरह से, उसकी आर्म्स के बीच में यह अग्नाशय है, और अग्नाशय से अग्नाशय नलिका आती है, जो मेजर डक्ट है उसको कहते हैं डक्ट ऑफ विट्संग। यह सीधे अकेले नहीं, उसके साथ साथ पित्ताशय और यकृत की जो कॉमन बाइल डक्ट है वह भी इसके साथ में आके जुड़ जाती हैं, और यहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। और परंतु इससे भी पहले अग्नाशय की से जो मेन डक्ट निकलती है विट्संग, उससे एक ब्रांच पहले ही निकल जाती है, जो इन दोनों की डक्ट एम्पुला ऑफ वेटर के खुलने से पहले ही कुछ 5-7-10 सेंटीमीटर पहले ही एम्पुला के द्वारा अलग से खुलती है, जहाँ पर एक डक्ट है, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटुरिनी। तो आपने देखा किस प्रकार से ये डक्ट ऑफ सेंटुरिनी एंड डक्ट ऑफ विट्संग अग्नाशय रस और पित्ताशय के पित्त रस को ग्रहणी में मिलाती है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि इन डक्ट्स के बारे में, सेंटोरिनी और ये विट्संग के बारे में, और ये भी पूछा गया कौन सी डक्ट ग्रहणी में पहले खुलती हैं। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब बात आती है अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस अर्थात अग्नाशय ग्रंथि से निकला हुआ श्रावण पदार्थ
ये करीबन 1 से 1.25 लीटर के करीब होता है, क्षारीय होता है, और इसमें 96-97% तो वाटर ही होता है। इसका पीएच भी एल्कलाइन लगभग 8 के करीब होता है, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। मेन बात जो डाइजेशन में आपके सिलेबस की बात है वह यहाँ पर है। इसके अंदर जो एंजाइम आते हैं उनको मैं हेडिंग वाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो पहला एंजाइम है प्रोटीन वाले, ये ट्रिप्सिनोजन है। ये एक इनएक्टिव फॉर्म है और इसको सक्रिय किया जाता है खुद ट्रिप्सिन के द्वारा भी, स्व उत्प्रेरण भी होता है। परंतु पहली बात ये आती है कि सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन जो निकलता है उसको ट्रिप्सिन में कौन बदलेगा? तो डेफिनेटली एंटीरोकाइनेज एक प्रकार का एंजाइम होता है जो ग्रहणी की एपिथीलियम, ग्रहणी की एपिथीलियम की दीवार पर लगा होता है और वह ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करता है और उसको किस में बदलता है? ट्रिप्सिन में। उसके बाद में ट्रिप्सिन खुद और एंटेरोकाइनेज दोनों, यानी जो सक्रिय हो रहा है यह खुद अपने एंजाइम के स्व प्रेरण में ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में मदद करता है, साथ ही साथ एंटेरोकाइनेज भी करता है। और यह ट्रिप्सिन बाद में प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड व डाईपेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड एंड डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड यानी जिसमें दो अमीनो अम्ल ही जुड़े हुए हो, और कुछ टुकड़े बड़े होंगे जो पॉलीपेप्टाइड रूप में, कुछ टुकड़े ऐसे होंगे जिसमें दो अमीनो अम्ल ही होंगे डाईपेप्टाइड की फॉर्म में। दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी एक निष्क्रिय होता है जिसको ट्रिप्सिन की मदद से काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया जाता है। यह भी प्रोटीन को पॉली एवं डाईपेप्टाइड में तोड़ता है। अब बात कहूँ कि दो एंजाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो यहाँ पे मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। हर एक एंजाइम हर किसी प्रोटीन को हर जगह से नहीं काट सकता है, वह पर्टिकुलर अमीनो अम्लों का सीक्वेंस के बीच में से ही काटता है। जैसे आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बायोटेक में पढ़ा हो कभी, तो उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जगह से काटता है। तो ये प्रोटीन के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी प्रोटीन को विशेष स्थानों पर काटते हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह से काट सकते हैं। तो डेफिनेटली ट्रिप्सिनोजन जहाँ उसके काटने की साइट है वह काइमोट्रिप्सिनोजन से अलग होगी। तो इस प्रकार से सारे एंजाइम जितने भी प्रकार के होंगे वह अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग तरह से काटते हैं। तो आप कभी कन्फ्यूज मत होना कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन ये एक है या अलग, डेफिनेटली अलग अलग हैं। और फंक्शन करने का तरीका भी, यानी का साइड जो काटने का वो अलग अलग है, परंतु अल्टीमेटली फंक्शन क्या है? प्रोटीन को काटना। अब ये और एग्जाम्पल है, प्री कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड प्रो एमिनो पेप्टिडेज, ये एंटीरोकाइनेज या ट्रिप्सिन दोनों के द्वारा सक्रिय हो जाता है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज और एमिनो पेप्टिडेज के रूप में चेंज हो जाते हैं। आपको जान मालूम हो प्रोटीन के दो टर्म भाग होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो अम्ल दो समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप। तो इस तरह से प्रोटीन में ये जब अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, तो प्रोटीन में भी एक किनारे पर तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, दूसरे किनारे पर अमीनो समूह। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज उसके कार्बोक्सिलिक समूह वाले हिस्से से अमीनो अम्लों को काटते हैं, जबकि एमिनो पेप्टिडेज उसके प्रोटीन की जो लंबी श्रृंखला है उसमें अमीनो समूह वाले जो है किनारा उस तरफ से अमीनो अम्लों को काटने में सक्षम होते हैं। इस तरह से ये दोनों ही एंजाइम प्रोटीन की श्रृंखला को किनारों से काटते हुए उसको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। यहाँ पर अमीनो अम्ल हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं, तो काफ़ी हद तक ग्रहणी के अग्नाशय रस द्वारा प्रोटीन का पाचन संभव होता है। नेक्स्ट जो है पाचन कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट की डाइट के रूप में आप जानते हैं हम क्या खाते हैं, प्लांट के रूप में देखें तो स्टार्च ही खाते हैं, और इसके अलावा माल्टोज, गैलेक्टोज और भी शुगर है, पर मेनली स्टार्च खाते हैं। तो स्टार्च को तोड़ने में स्लाइवरी एमाइलेज तो काम करते ही है, परंतु मुख गुहा के अंदर बहुत कम समय तक ही भोजन रह पाता है, तो ज़्यादा स्टार्च का पाचन नहीं हो पाता है। या कह सकते हैं कि स्टार्च का प्रमुखतया पाचन कहाँ होता है? अग्नाशय रस और आंत्रीय रस,
के द्वारा ग्रहणी के अंदर छोटी आंत के अंदर होता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये लारी एमाइलेज से प्रभावी मैंने बता ही दिया है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज जो कि ग्रेप शुगर है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ते हैं, दोनों ही सीधे बॉडी के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। लैक्टोज लैक्टेज शुगर यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होती है दूध के अंदर, आप नोट कर लें, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, ठीक है, नोट कर लेना। कुछ चीज़ें जानकारी में होती है इसलिए एंजाइम का नाम ही लिखा है, आप नोट कर लेना। वसा, वसा को लाइपेज एंजाइम तोड़ता है, उदासीन वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल एस्टर में। अग्नाशयी फॉस्फोलाइपेज जो ट्रिप्सिन के द्वारा फॉस्फोलाइपेज में सक्रिय हो जाता है, और यह लेसिथीन को लाइसोलेसिथीन में तोड़ता है, और इस प्रकार से कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु इनकी कंसंट्रेशन और उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस वह इसको सुरक्षित करती है अग्नाशयी इंटेस्टाइनल एपिथीलियम को। दूसरा है अग्नाशयी एस्ट्रेज, यह कोलेस्ट्रॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल में तोड़ता है। तो ये तीन मुख्य एंजाइम हैं जो विभिन्न प्रकार की वसा अणुओं जो लाइपेज है, प्रोफॉस्फोलाइपेज है, लेसिथीन है और कोलेस्ट्रॉल है, उनको तोड़कर मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज जो डीएनए और आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक शर्करा और डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड को तोड़कर न्यूक्लियोटाइड में बदलते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ग्रहणी के अंदर अग्नाशयी एंजाइम द्वारा डीएनए और आरएनए को किस में तोड़ा जाता है, न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें एडिनोसिन शर्करा के साथ में शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहता है, वो इस जो है ना न्यूक्लियोटाइड उसके रूप में तोड़ता है, ठीक है, और उसके साथ में शुगर मॉलिक्यूल और जुड़ा हुआ है, यानी शुगर और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन सार, इन तीनों का समूह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड, इसी रूप में काटता है। नेक्स्ट आगे अपन देखते हैं, तो ये अग्नाशय रस का था स्ट्रक्चर और किस प्रकार से अग्नाशय रस ग्रहणी के अंदर कार्य करते हैं। अभी तक हमने अग्नाशय रस के एंजाइमों के बारे में पढ़ा, अब हम ग्रहणी के बारे में पढ़ते हुए आगे ग्रहणी के अंदर पाचन कैसा होता है संक्षिप्त में उसकी हिस्टोलॉजी बता देता हूँ। ग्रहणी की अनुप्रस्थ काट में सीरोसा और म्यूस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा होते हैं। यहाँ पर म्यूकोसा में ये जो उंगलीनुमा उभार है जिनको विलाई कहते हैं, और प्रत्येक एक विलाई के ऊपर अगर हम इस भाग को ऐसे देखें तो ये एक विलाई है, उसके ऊपर भी छोटे 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 ऐसे ऐसे कोशिका स्तर पर माइक्रोविलाइज होते हैं, यानी हर कोशिका पर छोटे छोटे और प्रवर्ध होते हैं जिनको माइक्रोविलाइज करते हैं। इन सब का कार्य क्या है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाना ताकि डाइजेशन से जुड़े हुए एंजाइम भी ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो सके, उनका एक्शन अच्छा हो सके, साथ ही साथ अवशोषण के लिए सतह भी प्रोवाइड हो सके, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो कि आंत्र के अंदर दोनों होते हैं और छोटी आंत में, तो ये दोनों प्रक्रिया तेज करने के लिए सतह एरिया को बढ़ाने का योगदान देते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, सीरोसा जो कि आउटर लेयर है मस्कुलरिस म्यूकोसा में, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और होती है ये मस्कुलरिस म्यूकोसा, और इसके नीचे मस्कुलरिस म्यूकोसा में और सब म्यूकोसा के अंदर और म्यूकस होती हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर ड्यूडिनम के अंदर ये ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और
ये जो दरारें हैं ये वाली, इनको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन, जहाँ से आंत्र के एंजाइम्स जो कि पाचन में मदद करते हैं, या कहते हैं जिसे आंत्रीय रस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम सक्कस एंटेरिकस भी है, इन क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन से इन एंजाइमों के स्राव को स्रावित किया जाता है, या यहाँ पर जो भोजन के पार्टिकल आते हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ईलियम के अंदर ड्यूडिनम और ईलियम काफ़ी मिलती जुलती संरचना है। ड्यूडिनम के अंदर ब्रूनर्स ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती है, जबकि ईलियम इसके जो ड्यूडिनम के आगे होता है उसके अंदर पेयर्स पेचेस पाए जाते हैं। वो भी आगे क्या काम करते हैं मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए इसकी जो एपिथीलियम है, एपिथीलियम इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनका डिटेल आगे की पेज में बता रहा हूँ मैं। एक तो होती है गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स म्यूकस का श्रावण करती हैं। कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती है, एस कोशिका सेक्रेटिन, सीसी के कोशिका सीसी के कोशिका ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक फैक्टर जो होता है उसको श्रावित करती है। एक पेनित कोशिका लाइसोजाइम का श्रावण भी करती हैं। हाँ, यहाँ पे विलाई के बीच की दरारें जिनको लिब्र कुहन की दरारें भी कहते हैं, ये ड्यूडिनम में कम होती हैं, ईलियम में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं ड्यूडिनम में अग्नाशय रस भी आ जाता है, परंतु ईलियम के अंदर जब अग्नाशय रस का असर कम होने लगता है तब ईलियम की लिब्र कुहन की दरारें वो ज़्यादा सक्रिय रूप से रोल प्ले कर सके, यानी डाइजेशन जो एंजाइम के द्वारा लगातार चलता रहे, ये इसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इसके अलावा ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्रंथियां जो थी ड्यूडिनम में, इनका कार्य क्या है, म्यूसिन स्रावित करना, श्लेष्मा का श्रावण करना। इसका रोल क्या है कि जो काय माया है उसके अंदर शारीरिक अम्लीय माध्यम है उससे इसकी एपिथीलियम को नुकसान नहीं हो, उसको न्यूट्रलाइज करना, एसिडिटी को इसका कार्य है। और लसिका नोड के रूप में ईलियम में ड्यूडिनम के बाद में जो शेषांत्र है उसके अंदर ईलियम को पेयर्स पेचेज पाया जाता है, जो प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करती है। यहाँ पे मैं बता दूँ, कई बार कंपटीशन में ब्रूनर ग्रंथियाँ और पेयर्स पेचेज के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है, तो आप बहुत कोशिश होकर ध्यान दें। अवशोषी कोशिकाएँ माइक्रोविलाई युक्त होती है, ये मैंने बता ही दिया है कि ये एक विलाई है, उसकी दीवार की जो कोशिका है ये उसके ऊपर छोटे छोटे और माइक्रोविलाई बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होते हैं, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं, और ये पूरी क्या है, विलाई। अब है पाचन, आपको अग्नाशय रस का एक्शन बता दिया किस तरह से काम करते हैं, पित्तरस का बता दिया, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होते, बस उसका मेन काम है वसा का पारशीकरण और माध्यम को क्षारीय करना। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के कार्य के साथ साथ अग्नाशय आंत्र के अंदर खुद के एंजाइम भी स्रावित होते सक्कस एंटेरिकस के रूप में, और वह कैसे काम करते हैं। इसके अलावा यांत्रिक पाचन भी होता है, ग्रहणी या छोटी आंत के अंदर ईलियम के अंदर किस प्रकार से यांत्रिक पाचन होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि इन दीवारों में आहार नाल की जो दीवारें हैं इंटेस्टाइन की छोटी, उसके अंदर मायो एंटेरिक प्लेक्सस पाए जाते हैं। ये मायो एंटेरिक प्लेक्सस क्या काम करते हैं कि तंत्रिका सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और इसमें यांत्रिक पाचन मदद करते हैं। पहला है खंडी भवन, तो खंडी भवन में क्या होता है, आप इस डायग्राम से देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर वृत्ताकार जो पेशियाँ हैं वह संकुचित होगी या दो भाग से संकुचित होगी, परंतु जब नेक्स्ट संकुचन कहाँ से होगा, इन दो कॉन्स्ट्रिक्शन भाग के बीच में से। आप देख रहे हैं ये एक भाग, और अब की कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ से शुरुआत हो गया, पहला रिलीज नहीं हुआ उससे पहले, इसके दोनों के बीच में, ये बीच में। इससे क्या होगा कि इनके अंदर एक तो अग्नाशय रस, ग्रहणी के एंजाइम और भोजन, इन सब के अंदर आपस में मिक्सिंग अच्छी होगी। दूसरा,
जैसे बोरी के अंदर दोनों मुंह से बंद करके बीच में से किसी को दबाया जाए तो किसी चीज़ को तोड़ा काटा पीटा जा सकता है, तो इसी तरह से खंडी भवन के अंदर भी पाचन भोजन के जो अंश है उसको प्रेशर के साथ में यांत्रिक रूप से डाइजेस्ट किया जाता है। इसका एक और फायदा भी होता है अवशोषण में, जब एक खंड में कॉन्ट्रेक्शन जब होगा बीच में तो यहाँ अंदर इस खंड के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, चूंकि दोनों किनारों से बंद है तो पानी का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्ट हो चुके उनका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जो मटेरियल साधारण विसरण द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं वह तेजी से प्रवेश करेंगे। यानी खंडी भवन के दौरान न केवल डाइजेशन में बल्कि विसरण योग्य पदार्थों का, सामान्य विसरण योग्य पदार्थों का तेजी से अवशोषण भी होता है, तो अवशोषण में मदद करता है। इसके अलावा क्रमांकुंचन, क्रमांकुंचन इस तरह से एक लहर की फॉर्म में आप समझ सकते हैं, जैसे एक पाइप है, यहाँ पे संकुचन की एक लहर आगे चलती जाएगी और इसके साथ साथ इसके अंदर जो भोजन पचा वह भी आगे चलता जाएगा। जैसे पाइप में अगर हम अंगुली अपने मुट्ठी से पकड़ के खींचते जाए, पकड़ के कस के, तो उसके अंदर का पानी आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, वैसे ही यहाँ पे संकुचन आगे जाएगा, वैसे वैसे इसके अंदर का मटेरियल भी आगे जाएगा। तो ये क्रमांकुंचन गति, माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, यह भी भोजन के अवशोषण में भी मदद करता है, साथ साथ डाइजेशन में भी भोजन के एंजाइम के साथ मिश्रण को भी करता है। और क्रमांकुंचन जो है, यहाँ पे एक थोड़ी सी बात बता दूँ कि जब खंडी भवन द्वारा भोजन का अधिकांश अवशोषण हो चुका होता है, डाइजेशन हो चुका होता है, खंडी भवन यानी सेगमेंट जो है वह जब रुक जाता है तब यह क्रमांकुंचन जो है स्टार्ट होगा, यानी क्रमांकुंचन जस्ट आफ्टर खंडी भवन होगा। ये अच्छी बात है, आप समझ सकते हैं खंडी भवन में मैंने बता दिया क्या अंतर है। अगर आप दोबारा इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बाद में पूछ सकते हैं। छोटी आंत में आमाशय व इसोफिगस की तुलना में कम लेवल का क्रमांकुंचन होता है, यानी जो क्रमांकुंचन आप समझ गए होंगे कि पाइप या जो आंत है एक जगह से यहाँ से कस के अगर पकड़ते हुए इस तरफ खींचा जाए तो इसके साथ साथ खींचने के साथ साथ ये अंदर का मटेरियल भी आगे जाएगा। तो यहाँ पर दबाव देने का काम कौन करता है? एक इसके अंदर जो सर्कुलर मसल्स हैं वह क्रमबद्ध रूप से सिकुड़ती जाएगी और उनके सिकुड़ना और फैलना इस तरह से होगा कि यहाँ से रिलैक्स होगा तो यहाँ से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, तो कुल मिला के एक लहर की फॉर्म में एक संकुचन आगे बढ़ता जाएगा। ये क्रमांकुंचन है, दोबारा बता दिया, आगे चलते हैं अपन। तो ये छोटी आंत में यांत्रिक पाचन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्रमांकुंचन को प्रेरित कौन करता है? आप देख सकते हैं तंत्री के नियंत्रण में होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स इसी के, इसके अलावा सिक्रेटिन ग्लूकागॉन इसकी मोटिलिटी क्रमांकुंचन को घटाते हैं। आंत्रीय रस के अंदर क्या होता है आप देखें, आंत्रीय रस सक्कस एंटेरिकस 3 लीटर प्रतिदिन लगभग स्रावित होता है, पीएच क्षारीय 7.6 और अधिकांश भाग जल है, परंतु इसमें जो एंजाइम है, एक तो एंटीरोकाइनेज जो कि आपको बता दिया था, ट्रिप्सिनोजन सक्रियण में मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रश बॉर्डर पर पाया जाता है, माइक्रोविलाई के ऊपर, तो ब्रश बॉर्डर आप माइक्रोविलाई जो होते हैं उसकी सतह पर पाया जाता है, यह सतह पर चिपका रहता है, रिलीज नहीं होता है। दूसरे प्रोटीन अपघटनकारी, यहाँ पे ध्यान दें कि अग्नाशय रस द्वारा अंदर जो एंजाइम थे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यह या तो अमीनो में बदल देते थे या फिर पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड में बदल देते थे, तो उन सबको आगे अमीनो में बदलना। तो एक है एरेप्सिन, एरेप्सिन कोई एक अमीनो एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम नहीं है, इट इज़ एन ग्रुप ऑफ वेरियस प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स, यह करीब 25, 30, 40 करीब इतने एंजाइमों का समूह होता है, विभिन्न प्रकार के पेप्टिडेज होते हैं जो एमिनो पेप्टिडेज, डाई पेप्टिडेज होते हैं, और ये सब इरेप्सिन ये सब क्या काम करते हैं? प्रोटीन
प्रोटीन के जो भी अंश हैं, जो पूरा पॉलीपेप्टाइड है, छोटा पॉलीपेप्टाइड है, डाईपेप्टाइड है, उन सबको किस में बदलते हैं? अमीनो अम्ल में, ये देख लीजिए, ठीक है। दूसरे हैं न्यूक्लियोटाइडेज। आपको बता दूं अग्नाशयरस में कौन से एंजाइम थे? न्यूक्लियोटाइडेज, जो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में बांटता है, जिसमें आपको ध्यान संरचना याद करो कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक अम्ल का समूह, राइबोस शर्करा भी होती है, डीऑक्सीराइबोस या राइबोस, इसके अलावा एडिनोसिन जो नाइट्रोजन क्षार, वो भी जुड़े रहते हैं, तीनों एक सीक्वेंस में, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोसाइडेज यानी फॉस्फोरिक अम्ल को तोड़ना, यह न्यूक्लियोसाइडेज यहाँ सक्कस एंटेरिकस यानी आंत्रीय रस में पाए जाते हैं। ग्रहणी के अंदर सक्कस एंटेरिकस कम होता है, शिशंत्र इलियम के अंदर ये ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको बता दिया था क्रिप्ट ऑफ लिबरकोन इलियम में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एंजाइम है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को फ्री फॉस्फेट में बदल देता है, और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, जो कोलेस्ट्रॉल टूटा था, कोलेस्ट्रॉल को फ्री कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रो को फ्री कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। इसके अलावा अग्नाशय रस की तरह इसमें भी माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्सट्रिन, लाइपेज, ये सभी होते हैं। तो जो अलग थे एंजाइम, ये रेप्सिन जिनके बारे में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोसाइडेज जो अग्नाशय रस में नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये भी अग्नाशय, ये सक्कस एंटेरिकस का इंपॉर्टेंट है। इन सब के प्रोटीन और जो पाचन की प्रक्रिया को मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट जो है वृद्धांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान रहे पाचन की प्रक्रिया का अधिकांश भाग 99% पाचन हमारी छोटी आंत में हो चुका होता है, अवशोषण भी काफ़ी हद तक हो चुका होता है। आपको बता दिया कि जब क्रमांकुंचन वगैरह प्रेशर बढ़ता है तो डाइजेशन के साथ साथ वह अवशोषण को भी बढ़ाता है, और इस प्रकार से अधिकांश जो छोटी आंत तक सब कुछ अवशोषण डाइजेशन हो चुका होता है, सिर्फ बृहदान्त्र में जल अवशोषण और कुछ अन्य एक्टिविटीज होती है, उसको आप देखें। तो पहले वृद्धांत्र और छोटी आंत्र के अंतर को बता देता हूँ। वृद्धांत्र के अंदर पाचन की प्रक्रिया ज़्यादा कुछ नहीं होती है, वहाँ पर विलाई भी एब्सेंट होते हैं, और वृद्धांत्र में विटामिन संश्लेषण जीवाणु द्वारा आता है, मल निर्माण और मल का त्याग होता है। इसके अलावा म्यूकोसा में गोबलेट और अवशोषी सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल म्यूकस का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर अनुदैर्ध्य पेशी स्तर बहुत ही मोटा होता है, और तीन बैंड होते हैं जो कि इसकी विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, होस्ट्रा का निर्माण में मदद करते हैं, क्योंकि ये बैंड विशिष्ट प्रकार से संकुचन करते हैं, तो यहाँ पे चौकोर टाइप के पॉकेट्स बनते हैं संकुचन के समय में, लयबद्ध संकुचन होस्ट्रा निर्माण होता है, और ये इसकी खासियत है। वृद्धांत्र की दीवार के सिरोसा में वसा पहरी होती है, जिसके कारण ये एपिप्लोइक होते हैं, ऊपर से फूले हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया लॉन्गिट्यूडिनल जो सेक्शन है, मसल्स हैं, उसके अंदर विशिष्ट प्रकार से लयबद्ध संकुचन से होस्ट्रल चूर्णिंग होती है, होस्ट्रा में भोजन बढ़ने के बाद एक सीमा तक फैलते हैं, उनके बाद में होस्ट्रल चूर्णिंग संकुचन शुरुआत होता है, प्रेशर बढ़ता है तो उन बचे हुए भोजन के जो फिर भी जो बचा कुचा पानी है उसको भी अवशोषित करने का एक प्रयास होता है। इसके अलावा क्रमांकुंचन भी होता है, जिसके द्वारा पानी निकाल होस्ट्रल चूर्णिंग के बाद में जो अपशिष्ट या अपशिष्ट क्या कहते हैं कि काफ़ी हद तक पचे हुए भोजन को एक स्थान से अगले स्थान मूवमेंट यानी कॉलन से होते हुए रेक्टम की तरफ ले जाने में क्रमांकुंचन गति द्वारा मदद ली जाती है। लास्ट है जब फीकल मटेरियल कुछ भी नहीं बचता है और हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होता है उत्सर्जन का, तब मार्स पेरिस्टालसिस यानी पिंडीय क्रमांकुंचन, बहुत तेज गति से क्रमांकुंचन गति होती है, जिसके द्वारा तेजी से फीकल मटेरियल को कोलन से होते मलाशय, मलाशय से होते रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये मार्स पेरिस्टालसिस दिन में बहुत कम बार, 2 से 3-4 बार आता है, और यह